ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2021 है और आज की मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न बाबा ने आज की मुरली में हमसे पूछा है, भगवान किन बच्चों को मिलता है, बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है। उन्होंने शुरू से भक्ति की है, उन्हों को भगवान मिलता है। बाबा ने यह हिसाब बतलाया है कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है, अब मैं आया हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने। ये बाबा ने हिसाब जो बताया वो ये बताया कि जो बच्चे पहले पहले बाबा से बिछुड़ते हैं और बिछुड़ने के बाद फिर बाबा को पहले पहले ढूंढना शुरू करते हैं, तो द्वापर युग से बिछुड़ते हैं हम सतयुग में, तो उन बच्चों को बाबा जो है पहले मिलता है। पहले बिछुड़े, पहले ढूंढना शुरू किया, फिर पहले बाबा जब आता है तो तुरंत पहचान लेते हैं। गीत है मरना तेरी गली में। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेते हैं। जानते हो हम आत्माएं हैं, वो हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने कितने साकारी बाप किए हैं, असल में हो निराकारी बाप के बच्चे। फिर बाबा ने कहा, ये जो साकारी बाप और आकारी बाप, आकारी तो केवल संगम पर, वो भी एंड में है, निराकारी हमारा सदाकालीन है, परंतु सतयुग त्रेता में हमको उनका ज्ञान नहीं होता है, परिचय भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, केवल साकारी बाप का ही परिचय होता है। लेकिन उस समय हमको ये नॉलेज भी नहीं है कि इसके अतिरिक्त हमारा और भी निराकारी बाप है। बाबा ने कहा कि सतयुग में तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो, सुख में उस बाप का स्मरण नहीं करते हो, दुख में याद करते हो और आत्मा याद करती है। जब लौकिक बाप को याद करती है तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। उस बाबा को याद करेंगे तो कहेंगे, ओ बाबा है दोनों बाबा, राइट अक्षर बाप ही है। बाबा ने समझाया कि अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। ये जो शब्द हैं, हमको अपना बनाया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि द्वापर युग से हमने शिव बाबा को याद तो किया, लेकिन भक्त और भगवान के रूप से, वो मेरा प्रभु है और मैं उसकी संतान हूँ, ये तो ख्याल में नहीं था, प्रभु और भक्त। लेकिन जो शिव बाबा आकर के अपना परिचय देते हैं तो उसमें संबंध की बात कहते हैं, जो पहले हमने गायन तो किया है लेकिन संबंध का अनुभव नहीं किया था, तो संबंध की जो बात है जिसको बाबा ने कहा तुमको अपना बनाया है, अपना परिचय दिया, अपनत्व दिया, तो मेरे बच्चे हो, तो वर्षे का भी हमको दिग्दर्शन कराया, उस चीज को बाबा कहता है तुमको अपना बनाता हूँ। तुम बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हो पड़े हो। ड्रामा अनुसार ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और ये शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से आत्मा सिल्वर एज में आई तो शरीर भी सिल्वर में आया, फिर कॉपर एज में आए। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते, काला पड़ जाता है,
तुम भी अभी काले आयरन एजड बन गए हो। बाबा कहते हमेशा प्योरिटी को पसंद किया जाता है, जो चीज़ प्योर है, खालिस है, उसको पसंद किया जाता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी मुलमा डाल दें तो वो जो है फिर उसकी वो ताकत भी घट जाती है, लस्टर भी घट जाता है, प्योरिटी में फ़र्क आ जाता है। तो जब हमारी 14 कला रह जाती हैं तो उस समय वो लस्टर देवी देवता धर्म का नहीं रह जाता। आत्मा पवित्र बने तो शरीर भी पवित्र मिले, वो कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं, पुकारते ही हैं हे पतित पावनाओ। ये आत्मा कहती है तो बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो? ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए, बाबा को ही याद करना चाहिए। ये बाबा हमको याद करा रहे हैं कि बच्चे तुमको मैंने कहाँ भेजा था, कैसे थे, तैयार करके, साफ सुथरा करके, पावन बना के तुमको स्वर्ग में भेजा था, अभी आप देखो क्या बन गए। तुम बच्चों को निश्चय है बिलवड मोस्ट बाबा है, कहते भी हैं स्वीट स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले फादर है जो जन्म देते हैं, फिर है टीचर, टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का किसको पता नहीं है। चित्रों में क्लियर दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा। ये जो है बाबा यहाँ पर ब्रह्मा बाबा का पाठ, शिव बाबा का पाठ और श्री कृष्ण का पाठ, इन तीनों का बाबा बता रहे हैं। शिव बाबा बीज रूप रचयिता है लेकिन निराकार है, उनके कोई अवयव नहीं है। श्री कृष्ण जो है वो तो बनी बनाई मूर्ति है, वो तो राजयोग क्यों सिखाएगा, उसको भी राजयोग का पता नहीं है तो वो कैसे सिखाएगा, क्योंकि वो प्राप्ति का समय है। श्री कृष्ण का जो है वो प्राप्ति प्रारब्ध का समय है। हाँ, ब्रह्मा जो उनका पूर्व जन्म है, ब्रह्मा को शिव बाबा अपना बनाते हैं, उनके मुखारविंद के द्वारा राजयोग सिखाते हैं, तो ब्रह्मा की आत्मा सीख करके श्री कृष्ण जैसा बनती है। बाबा ने कहा कि वो लोग तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं परंतु ऊंच से ऊंच शिव है ना, वो साकार है, वो निराकार है। सृष्टि भी यही है, इस सृष्टि का ही चक्र फिरता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। गाते भी हैं सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, बीच में ज़रूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सत्युग कौन बनाएंगे? बाबा ने कहा, बाप कहते हैं तुम शिवालय में रहने वाले थे, अब है वैशालय, तुम पावन थे अब पतित बने हो, तो कहते हो हम तो पापी हैं। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, कहना चाहिए बाप के आगे, उनको छोड़ ब्रदर्स को लगते हैं ये देवताएं ब्रदर्स ठहरे। बाबा ने बताया कि प्राप्ति होती है तो वो तो बाप से होती है, भाइयों से तो होती नहीं, तो फायदा क्या? फादर को याद ना करो, ब्रदर्स के पीछे लगे रहो तो ब्रदर तो कोई भी नहीं देगा आपको अपना वर्षा, तो गलत नंबर डायल करते रहे हम। अब तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है,
उससे हमको वर्षा मिलता है। बाकी मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते हैं अखंड ज्योति तत्व, कोई कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो अखंड ज्योति स्वरूप है, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? बाप आते भी हैं, कहते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, ये है भाग्यशाली रथ। बिगर आत्मा रथ थोड़े होता है। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, अब ये बात तो हो नहीं सकती, परंतु कुछ भी समझते नहीं कि हम कहते क्या हैं। फिर बाबा ने कहा गंगा जमुना तो सतयुग में भी होती है। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो सतयुग का प्रिंस है, उसकी संभाल, उनकी बहुत संभाल से पालना होती है, क्योंकि फूल है ना, फूल से सभी आकर खुशबू लेते हैं, कांटों से थोड़ी खुशबू लेंगे। फिर बाबा ने हमें बताया कि सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, तुमको ही पहले पहले भगवान आकर ज्ञान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। तुम तो कितने बड़े आदमी देवता बनते हो, देवी गुण वाले देवता, स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा ने कहा यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। भक्ति तो सदैव नहीं चलती रहेगी, भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। फिर बाबा ने कहा कि ये तो नॉलेज पढ़ने की है, नॉलेज पढ़ने वाले थोड़े होते हैं। लाउड स्पीकर पर कभी पढ़ाई होती है क्या? टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे देंगे? इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ये बाबा बता रहे, सारी जो आपने पढ़ी है इसमें सारे का सार ये है कि शिव बाबा ही आकर के हमारा टीचर बन करके हमको पढ़ाता है, ये बात हमको भूलनी नहीं चाहिए। बाबा ने कहा अब मोस्ट बिलवड शिव भी है तो कृष्ण भी है, परंतु वो है निराकार, वो है साकार, वो है भाई, वो है पिता, है दोनों मोस्ट बिलवड। कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो कि जास्ती प्यारा कौन है, शिव बाबा ही ऐसा लायक बनाते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं। बाबा ने आज हम नहीं, ये सोचने की बात है कि श्री कृष्ण को जो पद की उपलब्धि हुई तो उन्होंने कहाँ से ली, वो बात बाबा कहते तुम बच्चों को पूछनी चाहिए, समझनी चाहिए। बाबा ने आज वरदान दिया है बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने व बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहजयोगी बन जाएंगे, और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। डबल फोर्स और स्लोगन है, महारथी वो है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। महारथी तो महारथी होते हैं, माया उनके लिए कुछ नहीं होती है। माया का जो खेल है, सच्चाई से देखा जाए तो हमारे इनिशियल स्टेजेस पे होता है। जब हम इनिशियल स्टेज पर हैं तब माया अपना दिखाती है, अपना हमको ले जाने की कोशिश करती है, सब होता है।
लेकिन जब आप एक लेवल तक आ जाते हैं फिर माया का प्रभाव रहता। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।